अल्लाह पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद कर, आमीन। अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर एक अजीम कौम खड़ी कर, आमीन। जिस तरह हमारे नबी ने उन अरबों को जिनकी हैसियत थी उनको दुनिया की इमामत करवाई, उस तरह हमारे पाकिस्तानी भी मदीना के रियासत के असूलों पे खड़ा होके दुनिया की इमामत करे, आमीन, आमीन। और हमारे मुल्क में कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर हो, इसको इंसाफ कहते हैं। कारकुनों सुनो, जब हजरत अबू बकर खलीफा बने, हजरत अली बने, हजरत उमर बने, पहली चीज उन्होंने क्या की कि कमजोर और ताकतवर मेरे सामने कानून के सामने एक बराबर हो गए, इसका मतलब इंसाफ होगा। ये दुआ करो कि हम अपने मुल्क में वो रियासत कायम करें जिधर कमजोर से कमजोर आदमी भी छाती निकाल के फिरे, इज्जत से फिरे, क्योंकि कानून उसकी हिफाजत करे। और आखिर में कोई भी पाकिस्तानी हमारे मुल्क में भूखा ना सोए, कोई भी पाकिस्तानी भूखा ना सोए, आमीन।